झारखंड से बड़ी खबर, जहां पर चंपाई सुरेन बहुमत परीक्षण में सफल हुए हैं। 47 उनके पक्ष में वोट गए हैं, विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। आज ये फाइनल स्कोर है जिसका दावा सुरेन सरकार लगातार कर रही थी कि उनके पास बहुमत का वो जादुई आंकड़ा है। लेकिन फिलहाल जब आज फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें पक्ष में 47 और विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये जो अग्नि परीक्षा थी, चंपाई सुरेन ने उन परीक्षा को पास कर लिया। 2 तारीख को ही शपथ ग्रहण हुआ और ये पूरा खेल दरअसल हेमंत सुरेन की गिरफ्तारी के बाद से चला। उसके बाद उन्हें इस्तीफा देने तक की नौबत आई। बाद में कमान कल्पना सुरेन के नाम की चर्चा होती रही, लेकिन कमान सौंपी गई चंपाई सुरेन को। और उसके बाद वक्त 10 दिन का दिया गया जब फ्लोर टेस्ट की बात आज के लिए कही गई थी। और आज जब बहुमत परीक्षण हुआ तो पक्ष में 47 वोट पड़े हैं, विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। हालांकि इससे पहले काफी उठापटक की स्थिति भी देखे, हैदराबाद में दरअसल विधायकों को ले जाया गया जो कल ही लौटे। हेमंत सुरेन ने क्या कहा सदन पहुंचने के बाद, आपको सुनवाते हैं। मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय, देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है, इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी, बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था। लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इनकी इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में होने की करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनियोजित तरीके से अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है।
ईडी के एक्शन के बाद सदन में पहुंचे थे हेमंत सोरेन, उनको आपने सुना। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सत्यजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्यजीत, चंपई सोरेन क्या बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं, क्या विधायक उनके साथ रहेंगे या नहीं, ये आशंकाएं और अटकलें लगातार थी, लेकिन वो अपने साथ रखने में कामयाब हुए, यानी कि उनकी जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स थी या जो हैदराबाद भेजना था वो सफल साबित हुआ? सत्यजीत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता हूं तक आवाज नहीं पहुंची, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन झारखंड में चंपई सोरेन बहुमत साबित करने में कामयाब रहे, उनके पक्ष में 47 वोट पड़े और कांग्रेस पार्टी और जो अन्य उनके साथ विपक्षी दल थे वो साथ में नजर आए। इस बीच में कई खबरें थी कि कुछ नाराज विधायक हैं, उनको मना लिया गया और विपक्ष में पड़े 29 वोट। ये वो तस्वीरें भी हैं उस समय की जब ये फ्लो टेस्ट हुआ और उसमें बहुमत हासिल कर लिया। 41 जो कि बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा अंक उन्होंने प्राप्त किए। 47 विधायक उनके साथ में, हेमंत सोरेन भी सदन में पहुंचे थे, उन्होंने भी वोट डाला, उससे पहले उनका संबोधन हुआ और विपक्ष में 29 वोट डाले गए। चंपई सोरेन सरकार और स्थायी सरकार और पूरा बहुमत उनके पास है, स्टेबल सरकार झारखंड में। और चंपई सोरेन का जो संबोधन था उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि कैसे उनको इसे आगे ले जाना है। हेमंत सोरेन आज सदन के भीतर खास से हमलावर नजर आए कि कैसे कानूनी तरीके से गैर कानूनी काम किया जा रहा है, उन्होंने कहा, और भी बहुत उन्होंने कटाक्ष किया सरकार पर। लेकिन फाइनल जब स्कोर की बात आई तो वहां पर चंपई सोरेन कामयाब रहे। तमाम विधायकों की जो टूट की आशंकाएं थी उन आशंकाओं के बीच में वो कामयाब रहे। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ हैं। सत्यजीत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो फ्लो टेस्ट में चंपई सोरेन कामयाब हो गए, यानी कि वो जो तमाम कवायतें थी या जो तमाम अटकलें और आशंकाएं थी कि चले जाएंगे विधायक, वो ऑपरेशन लोटस चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए ये जो है लगातार जो है कवायद किया गया था रूलिंग अलायंस के तरफ से भी, जिस दिन हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ उसी दिन से, कि सबको एकजुट रखा जाए, पूरे फ्लॉक्स को एक साथ रखा जाए, कुनबा को समेट कर रखा जाए, और ये कहीं ना कहीं जो है पे कर गया इनको। तमाम विधायक जो है एकजुट रहे और अब जब ट्रस्ट वोट हुआ, 47 जो है 47 लोगों के समर्थन का दावा किया था वो बिल्कुल सटीक बैठा वो आकलन। और इस वक्त जो है अनंत ओझा भी हमारे साथ हैं, लाइव हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। हेमंत सोरेन ने अपने स्पीच में बहुत तरह की बातें कही हैं, आरोप लगाया है कि राजभवन भी जो है हिस्सा रहा, 31 जनवरी का की जो रात थी वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए काली रात थी। परहैप्स पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई सिटिंग मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री उसको राजभवन से गिरफ्तार किया जाता है, और वो आशंका जता रहे हैं कि अब तो ऐसा पार्लियामेंट से भी हो सकता है, विधानसभा से भी हो सकता है, राष्ट्रपति भवन से भी हो सकता है। तो हमारे साथ अनंत ओझा जी हैं, पार्टी के सचेतक भी हैं बीजेपी के, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। अनंत जी, हेमंत सोरेन का आपने भाषण सुना, उन्होंने राजभवन पे ही कहा कि कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहा है, स्क्रिप्ट जो है वो 2022 से ही लिखी जा रही थी और धीरे धीरे उस काठ के हांडी में उसको जो है आंच को आंच दिया जा रहा था उसको। देखिए, दरअसल जिसके साथ गलबैया डाल करके वो विगत 4 वर्षों से सरकार चला रहे थे, तो उनको उनका गठबंधन के साझेदार का इतिहास पता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को धारा 356 का उपयोग करके और दर्जनों अवसर पर अपरोक्ष तरीके से सत्ता हथियाने का काम किया, और आज भी इस लोकतंत्र के मंदिर में झारखंड में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना सत्ता पक्ष के विधायक सदन के द्वार में के अंदर सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया है। आज लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, झारखंड विधानसभा के अंदर आज जिस प्रकार से राज्यपाल का हुडिंग किया गया है, यह अपने आप में यह अनोखा, देश के अंदर यह अनोखा प्रयोग है। उन्होंने ये भी कहा, कल्पना सोरेन से भी राहुल गांधी मिलने गए हैं, और उन्होंने हेमंत सोरेन ने यह दावा किया कि अगर जिस जमीन को लेकर उनको जो है विक्टिम बनाया जा रहा है और वेंडेटा के तहत उनको जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसका कागज कोई प्रोड्यूस कर दे, वो झारखंड क्विट करने के लिए तैयार है, पॉलिटिक्स क्विट करने के लिए तैयार है। अब ये तो सबसे बड़ा सार्वजनिक तथ्य है कि आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बहुत शुक्रिया।